दोस्तों क्या हो, अगर आपको एक ऐसा रिमोट मिल जाए जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ किसी इंसान को भी कंट्रोल कर सकता हो। कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में, जब माइकल नाम के एक आदमी को ऐसा ही एक रिमोट मिल जाता है और इसके बाद वो इस रिमोट से अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव कर देता है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये कहानी शुरू होती है और हमें माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक काफी छोटा और सुखी परिवार है। इस फैमिली में उसकी वाइफ का नाम डोरा होता है और साथ ही उसके दो बच्चे जिनका नाम सेमेंथा और केविन होता है। वो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए ट्री हाउस बना रहा होता है। अब क्योंकि माइकल एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक काफी कामयाब आर्किटेक्ट होता है, वो काफी बिजी रहता था और इसीलिए वो अपने बच्चे के स्विमिंग कॉम्पिटिशन में भी नहीं पहुंच पाता। यहाँ वो तब आता है जब कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका होता है और कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद भी वो यहाँ पर अपने बॉस से ही बात करता रहता है। अब माइकल का बॉस उसे एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर देता है और अब इसलिए माइकल भी उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है। अब इसके बाद माइकल अपने घर होता है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपने घर पर कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है। वो यहाँ पर अपनी वाइफ से भी बात करता है, वो उससे कहता है कि शायद मुझे इस प्रोजेक्ट के चलते हमारी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ सकती है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ डोरा को काफी बुरा लगता है क्योंकि पिछले एक साल से ये सभी लोग इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। खैर अब इसके बाद माइकल अपने काम में लग जाता है। वो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्टार्ट करने के लिए एक रिमोट उठाता है, लेकिन वहां पर पहले से ही बहुत सारे रिमोट रखे थे और वो यहाँ पर गलती से एक हेलीकॉप्टर का रिमोट उठा लेता है। वो हेलीकॉप्टर सीधा आकर उसके सर पर लगता है और अब इस सबसे परेशान होकर माइकल बाहर एक यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए चला जाता है। अब यूनिवर्सल रिमोट वो चीज होती है जिससे कि घर की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। माइकल स्टोर पर पहुंचता है, यहाँ पर वो शॉपकीपर से यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, लेकिन वो शॉपकीपर माइकल से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन माइकल को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। माइकल अपने सामने एक बेड को देखता है, इसलिए वो उस पर आराम करने के लिए लेट जाता है और थोड़े समय के बाद वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक और शॉप दिखाई देती है। वो शॉप के अंदर जाता है और यहाँ पर इसे मोर्टी नाम का एक आदमी मिलता है। यहाँ पर माइकल उससे यूनिवर्सल रिमोट मांगता है और मोर्टी उसे एक बहुत ही बड़ी जगह पर ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। अब यहाँ पर मोर्टी एक खास जगह से यूनिवर्सल रिमोट को उतार कर माइकल को देता है। यहाँ पर मोर्टी माइकल को बताता है कि ये रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। साथ ही वो यहाँ पर माइकल से कहता है कि मैं तुम्हें इस रिमोट को दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये रिमोट तुमसे वापस नहीं लूंगा। अब माइकल को उसकी ये बात काफी अजीब लगती है। वो सोचने लगता है कि ये बस एक रिमोट ही तो है और वैसे भी मैं इसे वापस करने क्यों आऊंगा। खैर अब इसके बाद माइकल वो रिमोट लेकर अपने घर आ जाता है और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्टार्ट करता है। अब इसी बीच यहाँ पर उसकी वाइफ डोरा पहुंच जाती है और वो किसी बात के चलते उससे झगड़ा करने लगती है और यहाँ पर माइकल से गलती से रिमोट का पाउस बटन दब जाता है और तभी यहाँ पर माइकल नोटिस करता है कि डोरा सच में रुक चुकी है। अब वो जैसे ही बटन को दोबारा प्रेस करता है, डोरा फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद माइकल अपने घर के बेसमेंट में जाकर काम करने लगता है। यहाँ पर माइकल का कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है और इसीलिए माइकल मजाक में वो रिमोट उठाकर उसका वॉल्यूम कम कर देता है और इससे कुत्ते की आवाज सच में कम हो जाती है। अब यहाँ पर माइकल साइलेंट बटन दबाता है तो उसका कुत्ता साइलेंट हो जाता है। अब ये सब देखकर माइकल एकदम से हैरान रह जाता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते को जरूरी काम कराने के लिए उसे गार्डन में ले जाता है। वो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है और इससे उसका कुत्ता सभी काम जल्दी जल्दी कर लेता है। अब इसके अगले दिन हमें डोरा की फ्रेंड एनी को दिखाया जाता है, वो डोरा के पास आई थी और यहाँ पर माइकल उस रिमोट का यूज करते हुए उसे म्यूट कर देता है। अब इसके बाद माइकल फिर से मोर्टी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर माइकल उससे कहता है कि मैं उस दिन तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं पाया था, तुमने तो यार सच में मुझे एक जादुई रिमोट दे दिया है। मोर्टी यहाँ पर माइकल से कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में रिमोट है ये सच में एक यूनिवर्सल रिमोट है, इससे तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम इससे अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो यहाँ पर माइकल से मेन्यू बटन दबाने के लिए कहता है। जैसे ही माइकल मेन्यू बटन दबाता है तो उसकी जिंदगी की सारी यादें उसके सामने आ जाती हैं। माइकल यहाँ पर देखता है कि उसका जन्म कैसे हुआ। वो यहाँ पर अपने बचपन को देखता है जिसमें वो बच्चों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है और उसके मम्मी पापा भी उसके साथ काफी खुश थे। यहाँ पर उसके पापा उसे एक कॉइन की ट्रिक दिखा रहे होते हैं जिसमें वो एक सिक्के को अपने मुंह में डालकर उसे गायब कर लेते हैं। अब ये ट्रिक देखकर मोर्टी भी काफी हैरान रह जाता है। वो माइकल से पूछता है कि ये उन्होंने कैसे किया। यहाँ पर माइकल उसे बताता है कि ये खास तरह का कॉइन होता है जो कि सिर्फ खाने के लिए ही बना होता है। यहाँ पर माइकल उसे ये भी बताता है कि मैं हमेशा अपने पापा के सामने अनजान बनने का नाटक करता था, लेकिन मुझे इस बारे में पता था। बाद में मोर्टी प्ले का बटन दबाने के लिए कहता है और इसके बाद ये प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। इसके बाद मोर्टी अपना कार्ड माइकल को देता है जिससे कि अगर माइकल को कुछ भी पूछना हो तो वो उससे बात कर सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल अपने बॉस से मिलने के लिए एक होटल में जाता है। वहां पर उसका बॉस उससे कहता है कि अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है तो तुम्हारा प्रमोशन एकदम पक्का है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए होगे तो अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लो। अब इसके बाद माइकल अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ घर पर हमें डोरा को दिखाया जाता है जो कि माइकल के मोम और डैड को डिनर पर इनवाइट करना चाहती है।
लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब उसे बहुत सारा काम था। लेकिन मना करने के बाद भी डोरा डिनर का प्लान बना लेती है अब, क्योंकि माइकल के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और इसलिए वो अपने पेरेंट्स के यहाँ पर आने, उनके खाना खाने, यहाँ पर बातें करने, ये सारे पल वो अपने रिमोट से स्किप कर देता है। इसके बाद वो अपने काम करने की जगह पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर डोरा भी पहुंच जाती है। वो यहाँ पर माइकल से कहती है कि तुमने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अपने पिता को लंच पर इनवाइट करोगे और उन्हें सरप्राइज भी दोगे। लेकिन माइकल को यहाँ पर याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कब कहा, और इसलिए वो मोर्टी को कॉल करता है। और जैसे ही वो उसे कॉल करता है तो मोर्टी उसके घर के दरवाजे पर ही खड़ा होता है। ये दोनों सड़क पर आ जाते हैं और यहाँ पर बातें करने लगते हैं। मोर्टी यहाँ पर उसे समझाता है कि जब भी तुम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हो तुम्हारी लाइफ भी ऑटो पायलट के जैसे खुद से ही चलने लगती है। इससे तुम अपना काम तो जल्दी कर लेते हो लेकिन तुम इस बीच उनसे बातें भी करते होगे और इसीलिए तुमने अपने पेरेंट्स से ऐसा कह दिया होगा। इसके बाद मोर्टी वहां से चला जाता है। खैर अब अगली सुबह वो उठता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो हर रोज की तरह ट्रैफिक में फंस जाता है और अब इसीलिए वो फास्ट फॉरवर्ड बटन का यूज करके जल्दी से अपनी कंपनी में पहुंच जाता है। खैर अब शाम को जैपनीज क्लाइंट्स के साथ माइकल और उसकी बॉस की मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग से पहले वो जैपनीज साइड में जाकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर माइकल रिमोट से वॉल्यूम हाई करके और लैंग्वेज को सेट करके उनकी बातें सुन लेता है और जैसे ही लोग चाह रहे होते हैं उनके प्रोजेक्ट में बदलाव करके डील फिक्स कर देता है। अब इस पर माइकल का बॉस काफी खुश हो जाता है कि आखिर ये माइकल ने किया कैसे। अब माइकल भी काफी खुश होता है क्योंकि उसे जैपनीज प्रोजेक्ट मिल चुका है। अब इसीलिए वो घर आता है और अपने बच्चों के लिए साइकिल्स और डोरा के लिए एक महंगा पर्स खरीद कर लाया होता है और साथ ही वो यहाँ पर डोरा को एक खुशखबरी देता है कि कंपनी में उसका प्रमोशन होने वाला है और अब इसलिए डोरा भी काफी खुश होती है। वो यहाँ पर माइकल और अपनी पहली मुलाकात का गाना गाने के लिए उससे कहती है, लेकिन माइकल वो गाना भूल चुका था और इसीलिए माइकल फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी पहली मुलाकात का गाना सुन लेता है। डोरा फिर से वो गाना सुनकर काफी खुश हो जाती है। खैर अब अगले दिन माइकल जब अपने बॉस से जाकर मिलता है तब उसका बॉस उसे यहाँ पर कहता है कि तुम्हें और भी प्रोजेक्ट करने होंगे, उसके बाद ही तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन उन प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हें 3 से 4 महीने लग जाएंगे। यहाँ पर माइकल कहता है कि ये क्या बकवास है, मैंने अपने प्रमोशन की खुशी में काफी सारी शॉपिंग कर ली है और अपने काफी सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। उसका बॉस कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे माइकल को काफी गुस्सा आता है और वो टाइम को रोक कर अपने बॉस को 3-4 लाफे जड़ देता है और बाद में अपने बॉस को नॉर्मल करके वहां से चला जाता है। इसके बाद माइकल मोर्टी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं 3 महीने के लिए अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मोर्टी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी लाइफ में काफी कुछ मिस कर देगा। और अब इसके लिए माइकल भी मान जाता है और वो अपने घर चला जाता है। यहाँ अगर माइकल अपने काम में लग जाता है और वो काफी परेशान होता है। वो यहाँ पर अपने बच्चों को भी डांट देता है और अब इस बात के लिए माइकल को काफी बुरा भी लगता है। और अब यहाँ पर माइकल फैसला कर लेता है कि मैं 3 महीने आगे जाऊंगा, इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा, और इसलिए वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब वो सीधा अपने आप को ऑफिस की पार्टी में पाता है जहाँ पर सभी लोग उसे बधाइयां दे रहे होते हैं। उसका बॉस उसे प्रमोशन के लिए बधाई देता है और यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड जेनी से भी उसे मिलवाता है। और यहाँ पर माइकल को रियलाइज होता है कि उसे अपने प्रमोशन में 2 साल लग गए हैं और उसने अपनी जिंदगी के 2 साल खो दिए हैं। ये सब जानने के पास माइकल अपनी फैमिली के पास वापस पहुंचता है और वो काफी खुश होता है। अब यहाँ पर उसके बच्चे 2 साल बड़े हो चुके थे और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसका कुत्ता मर चुका है और ये सुनकर उसे काफी दुख होता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और इसी के साथ वो रिमोट टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब ये देखकर माइकल काफी परेशान हो जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे, और इसलिए वो फिर से मोर्टी को कॉल करता है। लेकिन अचानक से मोर्टी वहां पर पहुंच जाता है जिससे माइकल डर जाता है। यहाँ पर माइकल उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है। मोर्टी उससे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ के 2 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो उस दौरान तुमने जितने भी पल फास्ट फॉरवर्ड किए होंगे तो ये सारे ऑटो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चले गए होंगे और ये जो भी हो रहा है ये भी इसी मोड का एक फीचर है। अब माइकल उस रिमोट को खुद से दूर करने के लिए उसे फेंकता है, लेकिन वो रिमोट वापस उसके पास आ जाता है। माइकल उसे तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो रिमोट टूटता ही नहीं और माइकल समझ जाता है कि ये रिमोट उससे अब दूर नहीं होगा। अब अगली सुबह जब माइकल सुबह उठता है तो वो नहाने और अपना नाश्ता करने का सीन फास्ट फॉरवर्ड होने के डर से बिना नहाए ही अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ पर उसका बॉस उससे ऐसा करने की वजह पूछता है तो यहाँ पर माइकल उसे एक अजीब सी वजह बता देता है। ये बात उसके बॉस की भी समझ आ जाती है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है। यहाँ पर माइकल का बॉस उसे बताता है कि मैं और जेनी अपनी कहीं और जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए मैं अपनी जगह एरिक लेमन को बिठाना चाहता हूँ और उसकी जगह मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूँ। और साथ ही उसका बॉस उससे ये भी कहता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो तुम जल्द ही इस कंपनी के CEO बन जाओगे। ये बात सुनकर माइकल काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसके रिमोट में फास्ट फॉरवर्ड बटन ऑन हो जाता है और फिर से उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर माइकल अपने रूम में सोया हुआ था
था और यहाँ पर उसे उसके बॉस का वीडियो कॉल आता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एरिक लेमन ने खुदकुशी कर ली है और अब उसकी कंपनी का सीईओ माइकल ही है और अब ये सब होने में 10 साल बीत चुके थे। वो यहाँ पर अपने आप को देखता है, वो काफी मोटा हो चुका था। वो घर जाता है तो पाता है कि उसका बेटा केविन भी उसी की तरह मोटा हो चुका है। केविन अपनी इस हालत के लिए माइकल को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि माइकल ने बचपन से उसकी परवरिश ठीक से नहीं की। इसके बाद माइकल सेमेंथा से मिलता है, वो काफी बड़ी हो चुकी थी और काफी सुंदर भी। इसके बाद माइकल डोरा से मिलने के लिए अपने गार्डन में जाता है। वो यहाँ पर आकर देखता है कि डोरा ने अपने बच्चों के ठीक भविष्य के लिए दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। ये देखकर वो रिमोट को पॉज कर देता है। माइकल को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो इस सब का जिम्मेदार मोर्टी को ठहरा रहा होता है और यहाँ पर तुरंत मोर्टी पहुंच भी जाता है। वो माइकल से कहता है कि देखो, ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है क्योंकि तुमने अपने काम और परिवार के बीच हमेशा अपने काम को ही चुना और इसी वजह से तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। अब यहाँ पर माइकल जैसे ही प्ले का बटन दबाता है तो डोरा का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और इससे उसके सर पर चोट लग जाती है। जब उसे होश आता है तो वो पाता है कि उसके शरीर की सभी चर्बी गायब हो चुकी है। वो एकदम ठीक हो चुका है और उसकी एक्स वाइफ उसके पास होती है। डोरा उसे बताती है कि तुम्हें कैंसर था, इसीलिए तुम्हारा वजन तेजी से बढ़ रहा था। इसी बीच तुम्हें काफी टाइम लग गया और आज 6 साल के बाद तुम ठीक हुए हो। यहाँ पर माइकल और दुखी हो जाता है कि उसने अपनी जिंदगी के 6 साल और खो दिए। बाद में माइकल अपनी कंपनी में जाता है तो वो पाता है कि उसकी वीडियो एक बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही थी जिसके ऊपर आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर लिखा हुआ था। माइकल के सभी सपने तो पूरे हो चुके थे लेकिन अब वो इस सबसे खुश नहीं था क्योंकि माइकल ने अपनी जिंदगी के काफी साल खो दिए थे। यहाँ पर उसका बेटा केविन उसकी बिजनेस में हेल्प करता है। वो अपने बेटे के ऑफिस में जाता है और उससे बात करता है। यहाँ पर बातों के दौरान माइकल कहता है कि मुझे अपने डैड से मिलना है, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा केविन उसे बताता है कि ग्रैंडपा को गुजरे हुए काफी साल हो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद माइकल बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए उनकी कब्र पर जाता है। वो यहाँ पर अपने फादर को बहुत मिस करता है और काफी रो रहा था। वो यहाँ पर रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड करके उस समय में जाने की कोशिश करता है जब उसके फादर की डेथ हुई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर मोटी आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम उस समय में नहीं जा सकते जिस समय में तुम थे ही नहीं, क्योंकि तुम अपने फादर की मोत के समय वहाँ पर नहीं थे। ये बात सुनकर मोटी उस समय में चला जाता है जहाँ पर वो अपने फादर से लास्ट टाइम मिला था और वो वहाँ पर चला भी जाता है। यहीं पर केविन अपने फादर को एक डिजाइन दिखा रहा होता है और यहाँ पर माइकल उसके डिजाइन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आज का माइकल अपने पुराने माइकल को देखकर काफी गुस्सा होता है। और तभी वहाँ पर उसके डैड भी पहुंच जाते हैं, वो उससे बाहर घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन माइकल अपने फादर पर काफी गुस्सा करता है और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब माइकल के डैड उसे अलविदा कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और जो अब के समय में माइकल था उन्हें देखकर गुड बाय कहता है। अब माइकल अपने रियल टाइम में आ जाता है, अब वो काफी दुखी होता है। यहाँ पर मोटी कहता है कि मुझे भी उन्हें यहाँ से ले जाने में काफी दुख हुआ। तब माइकल उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अब मोटी उससे कहता है कि मैं एक एंजल हूँ, मैं वो एंजल हूँ जो कि लोगों को मारकर उनकी आत्मा ले जाता है। ये बात सुनकर माइकल काफी डर जाता है और वो यहाँ पर रिमोट का बटन दबाकर और कुछ सालों को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और अब वो यहाँ पर अपने बेटे की शादी में होता है। वो यहाँ अपने बेटे की शादी में स्पीच भी देता है और अपनी एक्स वाइफ डोरा के साथ डांस भी करता है। इसी बीच उसे यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब माइकल को होश आता है तो वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है जो कि सर्विस सपोर्ट की वजह से जी रहा था। और तभी यहाँ पर केविन और सेमेंथा पहुंचते हैं। माइकल केविन से कहता है कि तुम हनीमून पर क्यों नहीं गए। वो कहता है कि एक अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए मैंने हनीमून को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर माइकल उसे समझाता है कि तुम अपने परिवार को टाइम दो, लेकिन उसे फिर से एक अर्जेंट मीटिंग होती है इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। अब माइकल उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी मोटी भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो उसे बेड पर वापस लेटने के लिए कहता है लेकिन माइकल उसकी बात नहीं मानता। वो बाहर केविन के पीछे भागने लगता है। बाहर काफी तेज बरसात हो रही होती है लेकिन फिर भी वो भागता रहता है और वो भागता भागता नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर केविन और आसपास के बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। यहाँ पर माइकल केविन को समझाता है कि हमेशा अपने परिवार को समय दो क्योंकि केविन भी माइकल की तरह ही गलती कर रहा था। इसके बाद वो डोरा से बात करता है, वो उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा। इसके बाद मोटी भी यहाँ पर पहुंच जाता है, वो उससे कहता है कि चलने का समय हो गया है और वो उसकी सोल को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब माइकल मर चुका था और यहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं और तभी यहाँ पर हम एक सफेद फ्लैश को देखते हैं। माइकल यहाँ पर तेजी से घबराकर उठता है जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। वो अपने आप को आईने में देखता है तो वो पाता है कि वो एकदम जवान है। वो उसी समय में है जिसमें वो पहले था और उसके पास में वही स्टाफ का लड़का खड़ा होता है। अब माइकल काफी खुश है, वो उस लड़के से दोस्ती भी कर लेता है। वो बाहर आता है और अपनी पुरानी गाड़ी को देखकर काफी खुश होता है। अब माइकल को परिवार का मतलब समझ आ गया था। वो सबसे पहले जाकर अपने मोम और डैड से मिलता है
और उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। बाद में अपने घर पहुंचता है और जोर जोर से बर्तन बजाता है जिससे कि सभी फैमिली मेंबर्स जाग जाते हैं। यहाँ पर वो अपनी वाइफ डोरा से कहता है कि चलो जल्दी करो, हमें अपनी ट्रिप की तैयारी करनी है। और यहाँ पर वो अपने बच्चों से भी वादा करता है कि अगले हफ्ते हम मिलकर वो ट्री हाउस बनाएंगे। बाद में वो अपने रूम में जाता है और अपने मॉम डैड को फोन करने लगता है, लेकिन तभी वो एकदम से घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने वही रिमोट रखा था और साथ में मोर्टी का एक नोट भी होता है। उसमें लिखा होता है कि एक अच्छे इंसान को एक ब्रेक की जरूरत भी होती है। इसके बाद मोर्टी समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ रियल था। बाद में माइकल सही फैसला लेता है और वो उस रिमोट को डस्टबिन में डाल देता है और अब अच्छे से अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहने लगता है। और अब इसी के साथ ही मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।